गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे थे हम भूल भूल जाएंगे, चौपाई में कह रहे थे, जा की रही भावना जैसी और प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तुलसीदास जी कहते हैं भैया जो जैसी भावना करके रहता है उसको जो है मूर्ति भी वैसी दिखाई पड़ती। परमात्मा के दरबार में, बालाजी के दरबार में जो जिस भावना से बैठता है, संदेह की भावना से, विश्वास की भावना से, श्रद्धा की भावना से, जड़ता की भावना से, जो जिस भी भावना से बैठता है उसको उसी भावना से बालाजी की कृपा प्राप्त होती है। एक बात और, भगवान का मिलना कठिन नहीं है या भगवान की कृपा को पाना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना बड़ा कठिन है। क्या? सरल होना बड़ा, सरल आदमी बड़ी मुश्किल में होता है। इसलिए हमारे पागलों, हम आपसे का होगा डंडा, अच्छा झंडा, मार पीट दो होता किसी, सुनो बाबा कहते हैं कि जो जिस भावना से हनुमान जी को देखते हैं हनुमान जी उसको उसी प्रकार दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बड़ी गंभीर वाली बात यह है, पतिव्रता स्त्री उसी को कहा जाता है जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना करे। ध्यान से सुनना, जो अपने पति को छोड़कर, राम राम, पर पुरुष का चिंतन स्वप्न में भी ना करे वो पतिव्रता स्त्री है। और मेरे पागलों यही हम तुमसे कहना चाहते हैं कि सच्चा साधक वही है, सच्चा भक्त वही है, सच्चा श्रद्धालु वही है, सच्चा जिज्ञासु वही है जो अपने आराध्य श्री बागेश्वर हनुमान को छोड़कर स्वप्न में भी मन में संदेह प्रकट ना करे। भगवान है या नहीं ये बड़ी बात नहीं है, भगवान नहीं होते तो तुम नहीं होते, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जो अमुक समस्या है उसका समाधान कैसे हो जाए। आप तो आए हो स्वार्थ बस, गोस्वामी जी भी कहते हैं सोर नर मुनि सबकी यह रीति, बोले क्या स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। सारा संसार स्वार्थ बस प्रीति करता है, स्वार्थ बस हनुमान जी से जुड़ते हैं, स्वार्थ बस बजरंग बली का ध्यान करते हैं, और हद तो ये है स्वार्थ पूरा ना हो तो बजरंग बली है ही नहीं, गायब हो गए। एक दो आदमी हमें मिले, अरे बोले भगवान है ही नहीं धरती, हमने कहा क्यों, अरे बोले 22 बार आ गए। अरे हमने कहा 22 बार आ गए तो नहीं आ, हम नहीं मिले तो भगवान नहीं है क्या। अरे भैया हम आपको बड़ी गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें, एक बात बताओ, गहरा दाग लग जाए एक बार में साफ हो जाएगा, बोलो नहीं। गहरा दाग जिस प्रकार बार बार सर्फ में डालने से, बार बार धुलने से साफ होता है, उसी प्रकार बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में बार बार पेशी करने से, प्रार्थना करने से समस्या का समाधान होता है। बागेश्वर हनुमान जी है जज के हनुमान, कौन से हनुमान, जज के, जज का मतलब होता है मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट के दरबार में आप जब अदालत में जाओगे तो आपको कोई भी केस फाइल करनी हो तो वकील की जरूरत पड़ती, पेशकार की जरूरत पड़ती, हाँ जी या ना जी, बोलो, वकील है सेनापति, हम बुलाते ना, हाँ भाई सेनापति हाजिर हो, वकील है सेनापति, पेशकार बाबू कौन है, सन्यासी बाबा, जज कौन है, बागेश्वर बालाजी। अच्छा इतने तो हो गए, आप पूछोगे गुरुजी तुम, सबका बता दिया अपना बताओ,
तुम कहाँ कुर्सी पे बैठे लंबी चौड़ी भारी माइक धरे भारी चीज चंदन लगाए कौन हो तुम? सुनो पेशकार बाबू सन्यासी बाबा हैं, जज हनुमान जी हैं, वकील हैं हमारे सेनापति जी, लेकिन दरवाजे के बाहर सफेद कपड़ा पहने टोपी लगाए एक पहरेदार पुकार लगाने के लिए बैठा रहता है। पूरी अदालत देखना वो क्या करता है, किसी की भी पेशी हो तो वो क्या कहता, अमुक आदमी हाजिर हो। हम क्या करते हैं, लाल सेट वाले आ जाओ, अर्जी लग गई, करते कि नहीं बोलो। हम है चपरासी, बालाजी है जज, और तुम मुकदमा लड़ने वाले, केस दायर करने वाले लोग, ले हैं लंबी लंबी मोटी मोटी फाइलें, जमीनों पर कब्जा हो गए, शरीर पर बीमारियों का कब्जा हो गए, हैं? भूतन को होगा कब्जा, जो आगो बगल में, हैं? भूतों का कब्जा हो गया शरीर पर, तो क्या करते हैं तुम लोग? जिस प्रकार संसार में जमीनों पर कब्जा होता है तो अदालत के दरवाजे खटखटाते हैं, साहब बचा लो मुक्त करा दो, उसी प्रकार हम लोग दरबार में बागेश्वर बालाजी की अदालत में आते हैं और बालाजी के पास आकर के कहते हैं कि रोग का कब्जा हटा दो, भूत बाधा का कब्जा हटा दो और हमको निरोगी बना दो। अच्छा सुनो, रोको रोको रोको, इतना ही नहीं, अच्छा जब दरबार लगता है अदालत जाते हैं जब मुकदमा दायर किया जाता है तो केस में पेशी करनी पड़ती है। हाँ जी ना जी बोलो, यही बागेश्वर धाम में केस क्या है, नारियल बन गया याचिका तुम्हारी सुन गई, पर्चा बन गया केस की फाइल बन गई, अब मंगलवार क्या है, मंगलवार है पेशी, आप पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, मुकदमा का फैसला तुम्हारे पक्ष में होगा और जीत भी तुम्हारी होगी। अब तुम नियम का पालन न करो, अदालत में क्या होता है अगर केस पेशी पर हाजिर ना हो तो क्या हो जाता है, वारंट कट जाता है। हाँ जी अना जी, संबंध भेजते हैं वारंट कट जाता है, हाँ भाई इस तारीख को हर हाल में आ जाना नहीं तो जो है जमा गिरफ्तारी वारंट हो जाएगा, बोलो होता ना, जिस प्रकार अदालत में वारंट कट जाता है उसी प्रकार बागेश्वर धाम के जो नियम नहीं करते उनका भी वारंट कट जाता, बोले क्या, बोले समस्या उल्टी बढ़ जाती है, यह समस्या ठीक नहीं होती। इसलिए हमारे प्रिय साधकों जितने भी आज दरबार में बैठे हैं एक बात बहुत गंभीरता पूर्वक सुने, वो बात ये है अपनी अर्जी जो आप लेकर आए वो तो आपका काम होना ही होना है, होना ही होना है, होना ही होना है, हमें बालाजी ने चुना है, हमें आपके लिए भले ही उनसे लड़ना पड़े पर आप हमारे परिवार के सदस्य हो, हम आपकी समस्या का समाधान करवा करके ही मानेंगे। थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, धैर्य इसलिए हम मशीन तो है नहीं, चलो गुरु दिया चार्ज कर दो फिर बैठे, हमारा भी बुढ़ापा शरीर का हाँपी भर दे, आंखों से देखना कम हो, अभी पराए घर भी जाना है, फिर भी ये दुर्दशा है, लेकिन हम आपको बताएं चाहे जितना शरीर थक जाए जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते हैं। हमको चाहे लेटे लेटे अर्जी लगानी पड़े, हमारे देवता ऐसे तो है नहीं कि अगरबत्ती लगावे परत दिया जलावे परत हवन करवे परत तब देवता आओ तब पंचा बना, हमारे देवता तो परे परे बता दे, हमारा वाईफाई वेरी हाई। अब आजकल आज हमें एक पत्रकार बता रहे थे, बोले गुरु जी इतने दरबार लगन लगे, अरे हमका लगने दो, हमारा लोड तो कम हो रहा हो, बाढ़ में कौन परेशान हो गए। लेकिन एक बात बोले, कल हमने कथा सुनाई थी आपको, 10 चलते हैं तब एक पहुंचते हैं, हम तुम्हें दरबार में चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठाए हैं, न ताली बजवाने बैठाए हैं, दरबार तो बहाना है, असलियत में तुम सबको बागेश्वर हनुमान जी का बनाना है। दरबार तुम कहोगे पर अगर हनुमान जी का बनाना तो यहीं बैठे रहो, आप जाते क्यों हो? हम इसलिए जगह जगह जाते हैं क्योंकि दरबार और चमत्कार तो बहाना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमें हनुमान जी ने चुना ही किसी और काम के लिए,
अब कई विरोधियों की नींद खराब है हमारे कारण, कईयों के पेट खराब है, हलीउल्लाह वालों की दुकानें बंद हो गई, अजमेर में भीड़ जाना बंद हो गई। अभी अजमेर के एक मुल्ला ने धमकी दी हमको, जब से बागेश्वर बाबा आया चादर चढ़ना बंद हो गया। अरे हमने कहा चादर फादर निकट में आ गए, बागेश्वर जब नाम सुना। और ये जो बातें बोलते मिर्चा लग जाती लोगों को, लेकिन एक बात बोले, ये जो हम जान हथेली पर लेके बोलते हैं किसके लिए बोलते हैं, हमारा क्या स्वार्थ। अच्छा एक बात बताओ, दरबार में हम आपसे एक रुपया लेते नहीं, हमारा कोई स्वार्थ? भंडारा भी फ्री में करवाते कोई स्वार्थ? कई बार गालियां भी सुनते लोगों की ना मिलने पर, हमारा कोई स्वार्थ? हमारा एक स्वार्थ है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए और तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े और तुम्हारा भला हो जाए। हमारा अच्छी खासी हम कथा करते हैं, कथा में कोई काम नहीं, 3 घंटा कथा करो 18 घंटा सो। लेकिन हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों? तुम्हारे लिए हम चाहते हैं, तुम हमारा परिवार, हम चाहते हैं अपने सनातन के ऊपर अब कोई उंगली ना उठाए, हम चाहते हैं तुम पाखंडियों के चक्करों में अपनी बहन बेटियों को ना पहुंचाओ। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो जय सियाराम। और इतना ही नहीं, अभी जब तक हमारे तन में प्राण है, देखो जीवन का तो कोई पता नहीं, जब तक हमारे तन में प्राण है हर साल गरीब बेटियों का विवाह तो हो ही रहा, अब हम 2029 तक नहीं और पहले ही कैंसर हॉस्पिटल बनवाने जा रहे हैं। दो हजार 2024 हो जाए प्रारंभ, इसके बाद कैंसर हॉस्पिटल के लिए हम निकलेंगे, जगह जगह हॉस्पिटल की तैयारी करेंगे। और चाहे जैसे हो, अब हम गरीबों को डॉक्टरों से लुटने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए उसके लिए हमें, चाहे जिसको चमत्कार दिखाना पड़े, चाहे जिस बड़े आदमी को। लेकिन आप सबसे यही प्रार्थना, आप लोग हम पर सदभाव मत रखें, हम तो नालायक मूर्ख पापी जीव, गांव के गवार हैं, हम तो धूर्त आदमी हैं, हमारे ऊपर श्रद्धा मत रखो। आपको श्रद्धा रखनी ही है, आपको देखो इंसान हमेशा भरोसा तोड़ देता है, भरोसा रखना ही है, बागेश्वर हनुमान पर भरोसा, वो कभी नहीं तोड़ेंगे। नाम जप करो, पेशी कभी मत छोड़ो, देखो नियम छोड़ोगे कल्याण नहीं होगा, धैर्य रखो। हम अक्सर एक शेर बोलते हैं, कल भी बोला था आज बोल देते हैं, ज्यादा नहीं होगा, कौन पेट में अपच हो जाएगा। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। हमने तो अपनी आंखों से देखा, अभी कल या परसों एक आदमी आया था, बोले महाराज जी आंख मिले नहीं हमें, लेकिन हमारी बेटी को ऐसा रोग था जन्मजात, उसको खून नहीं मंगता था। हमने डॉक्टरों से जब उस बारे में पूछा कि इसका मतलब क्या है, बोले महाराज जी लाइलाज बीमारी है, जब खून नहीं बनता है तो प्रत्येक बच्चा को पूरी जिंदगी भर हर महीना खून चढ़वाना पड़ता है, तब जी पाता है, और खून बंद कर दोगे बालक मर जाएगा। और हमने अपनी आंखों से देखा, वो आके रोते हुए हमें बता रहा था, बोले गुरुजी हनुमान जी की दया से अपने आप वह रोग ठीक हो गया और आराम रह गया। ऐसी चीजें हमने ना सुनी है ना देखी है, कलयुग में हनुमान जी ऐसी लीला कर रहे हैं। हमारा मानना है इस भारत में राम नाम के राज्य की स्थापना के लिए बागेश्वर हनुमान जी प्रकट हुए हैं। लेकिन तुम चूक मत जाना, अधैर्यता मत करना, इतना तय है कि तुम्हें घूम फिर करके बालाजी के ही चरणों में आना पड़ेगा। हमें इसके ध्येय में नहीं है कि तुम बागेश्वर धाम आओ, ना ये बुद्धि से निकाल दो, हनुमान जी के चरणों में पहुंचाने का हमारा सिर्फ उद्देश्य है। ऐसे बागेश्वर बालाजी के जो दरबार में आप बैठे हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, महीने में एक बार दो महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो, पर्चा बने या ना बने
बालाजी और सन्यासी बाबा को सब सुनाई पड़ता है, जाओ सेना पहुंच जाएगी, काम सफल होने लगेंगे, रोग में संकट में पीड़ा में आराम लगने लगेगा। और जाओ जो भी ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का तुम श्रद्धा पूर्वक जाप करके देख लो, तुम्हारे आसपास भी सिद्धियों का शक्तियों का अनुभव होने लगेगा। राम 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 राम, मन में राम नाम जप करो। आज का दरबार हम शुरू करते हैं, जिनकी अर्जी आओ सन्यासी बाबा बालाजी महाराज, जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन लोगों की अर्जी स्वीकार कर दो, इन लोगों पर कृपा कर दो, कृतार्थ कर दो, तुम सब इनके चरणों में। अच्छा एक बात और, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो, पक्का प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहेगा? चाहते हो तो हमारी बातें बोलो, क्या क्या और